This program is sponsored by LSC Auto Wheels Private Limited, Mohobewala Industrial Area, Saharanpur Road, Dehradun. Contact 8954600123. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। उत्तराखंड में राज्यसभा सीट के प्रत्याशी के पद के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक और राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी ने पार्टी के कई दिग्गजों की दावेदारी को पीछे छोड़ते हुए बाजी मारी। हालांकि मार्च 2016 में कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में आए पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट को भी टिकट का प्रबल दावेदार समझा जा रहा था, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने युवा नेता अनिल बलूनी पर भरोसा जताया। वहीं बीजेपी आलाकमान के इस फैसले ने उत्तराखंड में बीजेपी की भविष्य की रणनीति के भी संकेत दे दिए हैं। बीजेपी में राज्यसभा टिकट को लेकर चल रहा सस्पेंस खत्म हो चुका है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने युवा चेहरे पर दांव खेलते हुए उत्तराखंड के अनिल बलूनी के नाम पर मुहर लगा दी है। अनिल बलूनी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। देश की 16 राज्यों में 58 राज्यसभा सीटों के लिए 23 मार्च को होने वाला चुनाव सत्ताधारी एनडीए के लिए काफी अहम माना जा रहा है। उत्तराखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जहां बीजेपी की तरफ से उत्तराखंड के अनिल बलूनी के नाम पर मुहर लगी है। दरअसल बीजेपी युवाओं को मौका दे रही है, वहीं अनिल बलूनी ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भर दिया है। सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का मन से तहे शुक्रगुजार हूं। उन्होंने ये मौका दिया है। उत्तराखंड से इन दोनों नेताओं का बेहद लगाव है। अगर आप मोदी जी की टीम में देखेंगे तो तमाम उत्तराखंड के लोग उस टीम में हैं और आज जो राज्यसभा का चुनाव जो टिकट डिक्लेयर हुआ है उससे भी तय होता है कि उत्तराखंड से उनका लगाव है। दिल्ली में रह के राज्यसभा सदस्य के तौर पर जो भी उत्तराखंड के लिए होगा, उत्तराखंड के दर्द के लिए, उत्तराखंड के लोगों की समस्या के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए, केंद्र सरकार में वहाँ रह के, मंत्रालयों में रह के उत्तराखंड के लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए जो प्रयास होगा वो सब प्रयास किए जाएंगे। आइए जानते हैं कौन है अनिल बलूनी। अनिल बलूनी बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं। प्रधानमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेहद करीबी माने जाते हैं। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति में सक्रिय थे। 2017 में विधानसभा चुनाव में सीएम पद के दावेदार माने गए। दरअसल उत्तराखंड में राज्यसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसके लिए प्रदेश से लेकर केंद्र तक कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी दावेदारी के लिए पूरी ताकत झोंक रखी थी। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट, राष्ट्रीय सचिव तीरथ सिंह रावत, राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी, उद्योगपति अनिल गोयल भी शामिल थे। लेकिन ये अच्छा है, राज्य से नाम होना उसका लाभ हमेशा मिलता ही है। और कई बार परिस्थितियाँ रहती हैं पार्टी के सामने कि पार्टी उच्च सदन के लिए बाहर से भी नामों को सुनिश्चित करती है। लेकिन ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, राज्य को भी फायदा होता है। और फिर अनिल जमीन से जुड़ा हुआ है, यहाँ भी कई पदों पर उसने काम किया है। युवा मोर्चे का प्रदेश के महामंत्री के रूप में काम किया है। जब मैं मुख्यमंत्री था तो मेरे सहयोगी के नाते राज्य मंत्री के दर्जे के रूप में भी उसने बहुत अच्छा काम किया। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं अपने नेतृत्व का कि उन्होंने यह अवसर अनिल बलूनी को दिया। कमजोर संख्या बल के कारण राज्यसभा में कई बार अहम बिलों को पास नहीं करा पाने वाली एनडीए सरकार के लिए यह चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। इसलिए बीजेपी ने युवा चेहरों को मौका देकर देश के युवा मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में जुटी है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी मानते हैं कि उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए अनिल बलूनी एक बेहतर नाम है और उत्तराखंड को इसका फायदा जरूर मिलेगा। देहरादून से नासिर हुसैन की रिपोर्ट। राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी युवाओं को मौका दे रही है, जिसके लिए उत्तराखंड से युवा चेहरा अनिल बलूनी ने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भरा। न्यूज इंडिया संवाददाता नासिर हुसैन ने उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट से युवाओं को मौका देने के बारे में बात की। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जो इंतजार है वो खत्म हो गया है। राज्यसभा के लिए उत्तराखंड से नाम फाइनल हो गया है। अनिल बलूनी को भेजा जा रहा है, युवा चेहरा हैं। हमारे साथ अजय भट्ट जी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे उम्मीदवार थे, अनिल बलूनी का नाम तय हुआ है, क्या कुछ सोच करके तय किया गया? मैं एक बात आपको बता दूं कि कोई उम्मीदवार नहीं था, क्योंकि राज्यसभा में कोई उम्मीदवार नहीं होता है। जैसे कि उम्मीदवारी करते हैं फिर यहाँ से कोई पैनल बनता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये केंद्रीय नेतृत्व का अपना निर्णय होता है, उसमें हम सब सम्मिलित होते हैं। तो कोई उम्मीदवार नहीं था। जैसे मेरे बारे में कह दिया कि अजय भट्ट जी भी उम्मीदवार थे। कहीं से कहीं अध्यक्ष दिया है पार्टी ने, तो कहीं उम्मीदवारी की नहीं, किसी से बात नहीं की, पर मीडिया ने उम्मीदवार बनाया। मैं मीडिया के मित्रों का आभार प्रकट करता हूँ, जब भी कोई बात होती है तो वो हमारी उम्मीदवारी को आगे कर देते हैं। ये निर्णय पूर्णतः केंद्रीय नेतृत्व का, पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो सेंटर का है हमारा, उनका नेतृत्व का है। और इस समय युवा पीढ़ी को राज्यसभा में जाने का अवसर दिया है पूरे देश भर से। जो कॉन्सेप्ट था एक कि पुराने लोग ही जाने चाहिए, वो इस समय टूटा है। अनिल बलूनी विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, पूरे भारत का मीडिया का काम देखते हैं। सुंदर सिंह भंडारी जैसे वरिष्ठतम जो संगठनकर्ता रहे हैं हमारे, जिन्होंने ये पार्टी बनाई है, उनके साथ काम करने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए जो केंद्रीय नेतृत्व ने इस समय उनको लिया है, बहुत सोच विचार के लिया है। हम अपनी पीढ़ियों को तैयार करते हैं एक के बाद एक, इसीलिए तो हम आज विश्व की नंबर 1 की पार्टी हैं। पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। अन्य लोग क्या करते हैं, वो कुंडली मार के बैठ जाते हैं कुर्सी पर, वो छोड़ते नहीं हैं, और हम लोग अवसर देते हैं। इसलिए हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो आज निर्णय लिया है, सुविचारित निर्णय है। युवा चेहरों को मौका दे रहे हैं, क्या इसका फायदा मिलने वाला? बिल्कुल मिलेगा, आगे फायदा मिलेगा। और यही फायदा मिलते मिलते यहाँ तक पहुँच गया आज। हम अपने लिए नहीं सोचते हैं। जो हमारे गद्दी पर बैठे लोग हैं, वो अपने लिए न सोचकर पार्टी के लिए सोचते हैं कि आगे पार्टी किन किन के कंधों पर आगे चढ़ेगी और बढ़ेगी। तक ये देखा जा रहा था जो तमाम जो भेजे जाते थे राज्यसभा में, वो बाहर के लोग होते थे। उत्तराखंड के हैं अनिल बलूनी, तो क्या लगता है क्या फायदा? अच्छी पहल है, अच्छी पहल है। हमने अपने उत्तराखंड के ही व्यक्ति को यहाँ पर मौका दिया है। आगे भविष्य में भी और भी मौके मिलने वाले हैं कई लोगों को। तो ये है अजय भट्ट, जिनका कहना है कि जिस तरीके से युवा चेहरों पर कहीं ना कहीं भरोसा जताया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसका फायदा कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में उत्तराखंड को जरूर मिलेगा। अपने सहयोगी विजय कुमार के साथ नासिर हुसैन, न्यूज इंडिया, देहरादून। तो बीजेपी ने युवा चेहरे पर भरोसा जताया। महज 46 साल उम्र है अनिल बलूनी की और उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। हमारे सीनियर रिपोर्टर नासिर हुसैन इस वक्त हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। नासिर, अगर बात कर ली जाए अनिल बलूनी की, महज 46 साल की उम्र और राज्यसभा जा रहे हैं, बीजेपी क्या एक नया परिवर्तन लेकर आई है उत्तराखंड में? देखिए, बिल्कुल इसको एक बड़ा परिवर्तन माना जा सकता है कि जिस तरीके से अभी तक जो पुराने लोग हैं उन्हीं को भेजा जाता था राज्यसभा, और कहीं ना कहीं इस चीज को इसका एक कहीं जिस तरीके से पार्टी उनके एक्सपीरियंस का फायदा लेना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी कहीं ना कहीं आम लोगों को, जनता को उठाना पड़ता था। क्योंकि जो राज्यसभा जो लोग जाते थे वो बहुत ज्यादा एज उनकी होती थी, उम्र होती थी, वो काम उतनी तेजी के साथ नहीं कर पाते थे। लेकिन जिस तरीके से युवा चेहरों को अब मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और इस बार कई युवा चेहरे इस बार राज्यसभा जा रहे हैं। उत्तराखंड की अगर हम बात करें, उत्तराखंड में अनिल बलूनी को भेजा जा रहा है। अनिल बलूनी की उम्र अभी 46 साल है और एक युवा चेहरा वो हैं मीडिया का काम देखते आए हैं पूरे हिंदुस्तान भर में बीजेपी का, और जिस तरीके से अब उनको राज्यसभा उत्तराखंड से भेजा जा रहा है और उत्तराखंड का वो नाम है, उत्तराखंड के वो रहने वाले हैं। अभी तक ये भी कहा जा रहा था कि अक्सर यहाँ से पैरासूट कैंडिडेट्स को भेजा जाता है, जैसे हाल ही में जब कांग्रेस सरकार थी तो उस वक्त राज बब्बर को यहाँ से भेजा गया राज्यसभा, और उसके बाद वो वापस लौटकर उत्तराखंड नहीं आए। उन्होंने आकर नहीं देखा कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, क्या लोगों को उनसे उम्मीद एक्सपेक्टेशन थी, उन पर वो खरा नहीं उतरे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से अनिल बलूनी को भेजा जा रहा है, उसमें अनिल बलूनी युवा चेहरा भी है और उत्तराखंड के भी है, तो दो ऐसी अच्छी चीजें हैं जिसका फायदा बीजेपी को भी मिलेगा और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों को भी मिलेगा। एक और चीज नासिर कि जो पैरासूट कैंडिडेट की बात रही है, उस चीज को पीछे छोड़ते हुए अगर बीजेपी अनिल बलूनी को सामने लाई है तो ये बड़ी बात है। मैं आपसे एक सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं नरेश बंसल जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद अभिषेक जी। नरेश जी, जो पैराशूट उम्मीदवार की मिथक रही है उससे तोड़ दिया आपने? नहीं, ये तो हमने हमेशा ही तोड़ी है। इससे पहले भी भगत सिंह कोश्यारी जी गए, वो यहाँ के थे, तरुण विजय गए, वो यहाँ के थे। बीजेपी ने तो हमेशा यहीं के व्यक्ति को भेजा, लेकिन मात्र 46 साल के उम्र के एक शख्सियत को राज्यसभा भेजना मतलब एक बड़ा परिवर्तन लाने की तरफ बीजेपी बढ़ रही है। न्यू इंडिया की ओर भारत बढ़ रहा है, नौजवानों को सब जगह आगे आना चाहिए, जोश और अनुभव दोनों चीजें साथ साथ है उसमें। तो जो प्रतिनिधित्व की बात सामने आ रही थी कि कई नाम थे, चाहे विजय बहुगुणा की बात कर ली जाए, विजय बहुगुणा का नाम सामने आ रहा था, अजय भट्ट का नाम सामने आ रहा था, कई नाम ऐसे सामने आ रहे थे, सबसे पार पाना बीजेपी के लिए चुनौती तो थी। नहीं नहीं, ये हमेशा होता है, कई नाम होते हैं, कई नाम होते हैं, सभी श्रेष्ठ होते हैं, उसमें से सर्वश्रेष्ठ चुना जाता है। तो एक और चीज, अगर हम ये थोड़ा सा उत्तराखंड से आगे बढ़ करके देश के लेवल पे हम देखें तो कुल 58 सीटों पर जो चुनाव होने हैं, बीजेपी के लिए ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि पूर्ण बहुमत चाहती है राज्यसभा में पार्टी, लेकिन वहां पहुंचती हुई नहीं दिख रही है। देखिए, वो तो इसमें तो सीधा सीधा गणित है, जिसके जितने चुनकर आएंगे जितने सीटें बढ़ेंगी। आपको इसमें कोई गणित छोड़कर तो बहुमत आ नहीं सकता है, नहीं वीप होता नहीं है। तो ऐसे में जितने जिसके विधानसभा में एमएलए हैं और जितने जिसकी सीटें हैं, ये चुनाव इस प्रकार का होता है, उसके आधार पर चुनाव होता है। लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी रहेगी वहां पर, धीरे धीरे अगले चुनाव में बन जाएगा। लेकिन जो कई ऐसे बिल हैं जो राज्यसभा में अटके हुए हैं, वो पास करवाना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर बनती जा रही है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ तो बीजेपी को सोचना होगा, चाहे वो ट्रिपल तलाक का ही मामला क्यों ना हो। मुद्दे हैं उन पर सर्वसम्मति बनाने का प्रयास करते हैं, सर्वसम्मति बनती है, बहुत अच्छा है, नहीं तो जनता देखती है कौन समर्थन कर रहा है कौन विरोध कर रहा है, लेकिन फैसला करती है। लेकिन 2019 से पहले ट्रिपल तलाक का मुद्दा ही आप ले लें, राम मंदिर का मुद्दा ले लें, तो ये सारी चीजें चुनौतियां तो हैं। चुनौतियां तो सदैव रहती हैं, और चुनौतियों को अवसर में बदलना यही अच्छे राजनीतिज्ञ का काम होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। लेकिन नासिर, एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि जो पैराशूट कैंडिडेट की बात रही है, और यहां पर अगर हम देखें राज बब्बर को कांग्रेस ने लाया, लेकिन राज बब्बर दोबारा लौट करके आए ही नहीं। अनिल बलूनी जो हैं वो बेसिकली पौड़ी से आते हैं, पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं। वहां इस वक्त किस तरीके का माहौल है कि इतनी कम उम्र में उनके जान पहचान का, उनके गांव का एक लड़का आ जाता है और राज्यसभा पहुंच रहा है। नासिर, सवाल दोहराएं। नासिर, पौड़ी में, पौड़ी के रहने वाले हैं अनिल बलूनी, पौड़ी में इस वक्त क्या कुछ माहौल है? देखिए, जाहिर तौर पर खुशी का माहौल तो बिल्कुल होगा, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरीके से उत्तराखंड से राज्यसभा जा रहे हैं अनिल बलूनी, और इसके अलावा वो पौड़ी के रहने वाले हैं, उत्तराखंड की शख्सियत हैं, उत्तराखंड के लिए उन्होंने अक्सर काम किया है और यहीं से वो भारत की राजनीति में उन्होंने हिस्सा लिया, और अब जब राज्यसभा जा रहे हैं तो जाहिर तौर पर खुशी का माहौल जरूर देखने को मिलता है। क्योंकि पौड़ी के लिए एक लिहाज से एक बात अच्छी यह भी है कि तमाम बड़े राजनीतिक उत्तराखंड में है, वो तमाम के तमाम लोग बॉडी से ही बिलोंग करते हैं। क्या है त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें जो मुख्यमंत्री है मौजूदा, इसके अलावा क्या है पूर्व मुख्यमंत्री जो रमेश पोखरियाल निशंक है उनकी बात करें वो भी पौड़ी से हैं, भुवन सिंह खंडूरी हैं वो भी पौड़ी से ही आते हैं, और इसके अलावा और क्या सतपाल महाराज हैं वो वहां से पौड़ी से विधायक रही हैं उनकी पत्नी, और इसके अलावा जितने भी बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं पौड़ी से आते हैं। तो एक खुशी का माहौल, एक कहीं ना कहीं इस पूरी फहरिस्त में एक नाम और जुड़ गया है आज अनिल बलूनी का, क्योंकि वो सांसद राज्यसभा सांसद बनने जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर पौड़ी के लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। एक और चीज जिस तरीके से खबरें जो सामने आई कि अनिल बलूनी जो हैं वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं, क्या ये चीजें भी इनके पक्ष में गई? और बाकी नाम जो 4-5 नामों का जो जिक्र हो रहा था, चर्चाएं हो रही थी, वो सारी पीछे छूट गई। देखिए जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार राज्यसभा में जाने के लिए तमाम दावेदारों की एक लंबी फहरिस्त थी बीजेपी के सामने, क्योंकि बड़े नाम से चाहे पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की बात करें या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय भट्ट उनकी बात करें, वो भी एक बड़ा नाम था और लग रहा था कि अजय भट्ट इस बार पहुंच सकते हैं राज्यसभा। इसके अलावा यहीं से देहरादून से अनिल गोयल की बात करें, उनका भी नाम आगे चल रहा था, लेकिन चूंकि ये तमाम फैसले केंद्र आलाकमान को करने होते हैं बीजेपी के, और वहीं से नाम आया है। और जिस तरीके से जो अनिल बलूनी का कैरियर रहा है उसकी शुरुआत ही कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति से हुई, उन तमाम महत्वपूर्ण पदों पर अनिल बलूनी रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं या मौजूदा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह, उनसे कहीं ना कहीं उनके अच्छे संबंध उनके माने जाते रहे, और शायद यही वजह है कि उसका फायदा उनको मिला है और तमाम बड़े दिग्गज नेताओं को छोड़ करके वो आगे बढ़े हैं, और आज उनका नाम बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के लिए भेजा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक अच्छी बात है। बिल्कुल नासिर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये अच्छी बात है। और एक और चीज है कि अगर अनिल बलूनी जो कि उत्तराखंड के हैं और उनको अगर भेजा जाता है तो कहा यह जा रहा है कि जो पहाड़ की समस्याएं हैं, पहाड़ की जो बातें हैं, वो शायद अनिल बलूनी बेहतर तरीके से राज्यसभा में रख पाएंगे। जाहिर तौर पर क्योंकि एक बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, हालांकि पांचों के पांचों सांसद पहाड़ से ही वहां पर हैं, यानी उत्तराखंड के जो पांचों सांसद हैं बीजेपी के, उनका जो तजुर्बा है वो काफी अच्छा भी है। चाहे पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री भुवन सिंह खंडूरी की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी की बात करें, तमाम के तमाम राज्यसभा में लोग मौजूद हैं, लेकिन चूंकि उनका तजुर्बा पुराना जो तजुर्बा है वो उनके लिहाज से अलग तरीके का है, लेकिन चूंकि अनिल बलूनी जो है वो एक युवा चेहरा है, नई तकनीकों को वो समझते हैं, कैसे जो तमाम यहाँ के बेरोजगार युवा हैं कैसे उनको अच्छा मौका मिल सकता है, क्या नई चीजें शुरुआत की जा सकती है, इन तमाम चीजों को लेकर अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि जो सक्रिय राजनीति है उसमें इन्होंने हमेशा से रहे हैं, तमाम प्रतिनिधित्व बीजेपी का किया है इन्होंने प्रवक्ता के रूप में, तो बहुत इनकी जो जानकारी है उनका कहीं ना कहीं फायदा यहाँ के लोगों को मिलने वाला है। नामांकन दाखिल करने पहुंचे और नामांकन दाखिल करने के बाद आपने बात भी की, अजय भट्ट से भी आपकी बात हुई और आपकी बात जो है वो बलूनी जी से भी हुई, क्या कुछ कहना था, क्या बातें थी जो वो आज मीडिया से शेयर कर रहे थे? जब नामांकन उनका हुआ, क्योंकि नामांकन के लिए तमाम विधायकों को आज बुलाया गया था, तो जितने भी विधायक मौजूद हैं वो पहुंचे थे, लगभग बीजेपी के करीब करीब सभी विधायक वहां पर पहुंचे थे, और उसके बाद मुख्यमंत्री खुद वहां पर मौजूद रहे और मुख्यमंत्री ने उनका नामांकन दाखिल करवाया, और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। उनका कहना था कि बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के कंधों पर दी जा रही है केंद्रीय आलाकमान बीजेपी की ओर से, तो वो उसको महत्वपूर्ण तरीके से उस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नासिर, फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अनिल बलूनी अब राज्यसभा की टिकट कटा चुके हैं और नामांकन दाखिल कर दिया है, संख्या जो है वो उनके पास है, संख्या बल है, तो ऐसे में उनका जाना तय है कि वो राज्यसभा जाएंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहे न्यूज इंडिया, नमस्कार। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर, इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर आप news_india.nimsyunai पर हमें लाइक कर सकते हैं।